ये लड़कियां खेल रही थी, तभी रास्ते में एक लड़की की चप्पल टूट जाती है। अब वो चप्पल खरीदने एक शॉप में जाती है, मगर उसका मन बदल जाता है तो वो दुकानदार से चप्पल की जगह जूती दिखाने को कहती है। अब लड़का उसे बढ़िया बढ़िया जूती ट्राई कराता है, साथ ही लड़की उसे बहुत पसंद भी आती है। अब लड़की ये समझ जाती है तो ये अपना मतलब निकालने के लिए उसे भाव देने लगती है। काफी जूती देखने के बाद उसे एक जूती पसंद आती है, तब ये लड़का कहता है कि आपके गोरे पैर पे ये जूती बहुत जच रही है और अगर आप ये जूती रोज पहनोगी तो मुझे जरूर याद करोगी। और बातों बातों में ये लड़का 1000 रुपए की जूती उसे 400 रुपए डिस्काउंट करके देता है। तब लड़की कहती है अगर देना ही है तो फ्री में दे दो। तब ये लड़का इस लड़की की बातों में आकर जूती फ्री में दे देता है। अब दूसरे दिन जब लड़का दुकान खोलने जा रहा था तब उसे दुकान के सामने लड़कियों की भीड़ दिखती है। दरअसल ये सारी लड़कियां इस लड़की की फ्रेंड थी। इसके बाद ये लड़की दुकानदार से कहती है कि तुम्हारी जूती सबको पसंद आई, इसलिए सबको ये 1000 की जूती 600 रुपए में दे दो। अब ये लड़का फिर से इस लड़की की प्यार भरी बातों में आ जाता है और डिस्काउंट देता है, लेकिन इससे लड़की की दुकान की ज्यादा बिक्री होना शुरू हो जाती है।